recording has started. प्राण जाने तक जीवन देने वाले जहाँ से बढ़कर प्रेम करने वाले तेरे सीने पे मैं सटू खुदा कभी ना दूर हटू तुझसे खुदा प्राण जाने तक जीवन देने वाले जहाँ से बढ़कर प्रेम करने वाले तेरे सीने पे मैं सटू खुदा कभी ना दूर हटू तुझसे खुदा आराधना करूं मैं तेरी प्रभु वफादार है हर किसी से तू प्रभु देखा क्रूस पर मैंने उस प्रेम को तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु प्राण जाने तक जीवन देने वाले जहाँ से बढ़कर प्रेम करने वाले तेरे सीने पे मैं सटू खुदा कभी ना दूर हटू तुझसे खुदा सुनता हूँ मेरे प्रभु का शब्द हाथ पकड़ कर जो चलाता है मुझे गिरने ना देता वो सहारा बनता वो संग रहता है दिलासा देता वो प्राण जाने तक जीवन देने वाले जहाँ से बढ़कर प्रेम करने वाले तेरे सीने पे मैं सटू खुदा कभी ना दूर हटू तुझसे खुदा योग्य ना था मैं बस तेरी कृपा मेरा नाम और स्थान है तेरी दया मैं जो बना हूँ वो तेरी कृपा कृपा पर कृपा से बढ़कर मुझे चला प्राण जाने तक जीवन देने वाले जहाँ से बढ़कर प्रेम करने वाले तेरे सीने पे मैं सटू खुदा कभी ना दूर हटू तुझसे खुदा जान प्राण जाने तक जीवन देने वाले जहाँ से बढ़कर प्रेम करने वाले तेरे सीने पे मैं सटू खुदा कभी ना दूर हटू तुझसे खुदा हालेलुया। और एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा रे दाता मेरे तू काफी है मेरे लिए यहोवा राफा तू करता चंगा मिली चंगाई तेरे घाव से यहोवा शम्मा तू संग रहता हर जरूरत को पूरी करता है यहोवा शम्मा तू संग रहता हर जरूरत को पूरी करता है तू ही काफी है तू ही काफी है तू ही काफी है
मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। यहोवा एलीहिम, तू सृष्टि करता, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन, तू सबसे ऊंचा, तेरे जैसा है कोई नहीं। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, मिली शांति तुझसे मुझे। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, मिली शांति तुझसे मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। हालेलुया, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, आपने बढ़िया गीत गाया और परमेश्वर की महिमा किया। परमेश्वर आपके परिवार को और आपको आशीष दे। अब हम वचन पे जाएंगे। वचन के लिए हमारे बीच में पास्टर सिमन पहलवान है, वो आज के वचन की अपने बीच में फैलेंगे। आइए पास्टर जी, अपना स्वागत है। हालेलुया, थैंक यू सो मच पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। ओकलोमा हिंदी प्रेयर लाइन और सभी स्टाफ, ब्रदर सक्रिया, बीजी सिस्टर, उनके परिवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एपीसी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पास्टर कुरिन चरण साहब और अभी प्रभु का दास अगुवाई लीडिंग किया हुआ पास्टर देवानंद गायकवाड़ साहब और सारी एपीसी अहमदनगर की कलीसिया, सभी पास्टर्स और जुड़े हुए जगह जगह से प्रभु के महान अभिषिक्त दासों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूँ। हालेलुया, आज प्रभु के वचन से प्रचार करने के लिए मुझे जो समय दिया, इसी के लिए भी मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ। आए प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। लूका की इंजील, लूका लूक 11 और वचन 13 को हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट है मांगो तो पाओगे। लूक 11 और 13 यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए ये वचन आशीषित करे। पिता परमेश्वर के नाम की तारीफ और महिमा करते हैं। आई प्रिय समय हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। जैसा यहाँ पे प्रभु का वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, हम बुरे हैं तो भी हमारे बच्चों को हम अच्छी चीजों का प्रबंध करते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। हालेलुया, उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनकी हर एक जरूरत के बारे में हम सोचते हैं, हमारे बच्चों को अच्छा लाइफ देने के लिए हम कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए हम कोशिश करते हैं, हमारे बच्चे उनके लाइफ में सेटल होने के लिए, उनको अच्छा जॉब मिलने के लिए उनके बारे में हम सोचते हैं प्रियो, क्योंकि हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा चीजों का प्रबंध करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया, जो उनके बेटा और बेटी है यूहन्ना 1:12 के द्वारा जिन्होंने उनको कबूल किया
यीशु ही उद्धार करता है, उनको उसने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, उनका हम बेटा और बेटी है। तो बाइबल बताती है जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो अपने स्वर्गीय पिता से मांगने वाले लोग हैं, उनको वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया, जो इन दिनों में हमें विशेष आत्मा से भरकर हालेलुया प्रार्थना में मांगना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेयर ब्रिंग्स विक्टोरी, प्रार्थना हमें जय देती है। इन दिनों में हमें विशेष करके प्रार्थना में एक होकर प्रार्थना में हमें मांगना है। हालेलुया, एक दिल से मांगना है, जैसा हम बुरे होकर हमारे बच्चों के लिए अच्छी चीजों का प्रबंध करते हैं। हालेलुया, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमसे इतना प्यार इतना मोहब्बत करता है कि हम जो उसको मांगते हैं वो हमें देता है, वो हमें पवित्र आत्मा विशेष करके देता है। और आज सुबह इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मांगते, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमें यीशु मसीह के पास आकर विश्वास से मांगना है, और विश्वास से जब हम मांगते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। जैसा प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए हमें बोलते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, हमें विश्वास से मांगने की जरूरत है। प्रेज गॉड, आगे लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे, हमको परमेश्वर ने ढूंढने को बोला है। अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं, जो चीज हम डालते हैं, जो नाम हम डालते हैं, वो मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा भी मिलेगा। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास वैसा नहीं है। जो यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को हमारे देखने के लिए हमारे पास हृदय वो जो खोलने का है जरूरत है प्रियो। और आज आत्मिक तौर से प्रभु को हमको मांगना है, हमें ढूंढना है प्रभु के पास यीशु के नाम से। और प्रियो, हम बाइबल बताती है जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, हमें प्रभु यीशु के नाम से खटखटाना है, विश्वास से खटखटाना। हालेलुया, हमारे लिए विश्वास से जब हम यीशु के पास आकर हालेलुया खटखटाते हैं तो प्रियो सचमुच हमारे लिए खोला जाता है। आज मैं प्रभु के वचन से आपको यही बताना चाहता हूं, इन दिनों में हम प्रभु का आगमन नजदीक है, प्रभु जल्दी आने वाला है, हम अंतिम दिनों में। हालेलुया, तो इन दिनों में हमें एक ही बातों में ज्यादा ध्यान देना है, प्रार्थना करके मांगना है, प्रार्थना में समय बिताना। हालेलुया मेरे प्रियो, आज प्रार्थना के बिना दूसरा दुनिया में हमारे लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं है। प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु सब आशीषों को देकर ब्लेस करता है। हालेलुया, आज इस दुनिया में आपको जो भी जरूरत है प्रार्थना में हमें मांगना है। हालेलुया, इसके लिए तो बाइबल बताती है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे इस दुनिया में जो हमें चाहिए वो आत्मिक हो जो शरीर के लिए हो, इन दिनों जो दुनिया की जो चीजें भौतिक चीजें वो है, फाइनेंशियल आर्थिक चीजें, जो भी हमको जरूरत है हमें प्रार्थना करके विश्वास से मांगना है। प्रार्थना में घुटना टेक कर एक मन होकर प्रभु के साथ बात करना है, प्रार्थना करके विश्वास से। हालेलुया, जब हम मांगेंगे तो बाइबल बताती है हमारे लिए हो जाएगा, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन हमारा प्रार्थना विश्वास से होना है। हालेलुया, हाँ प्रियो, हमें प्रार्थना में विश्वास से मांगने का है। योना 14:14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम, इन द नेम ऑफ द जीसस, प्रभु यीशु के नाम से जो भी मांगने वाले हैं हमारे लिए उसके वचन के अनुसार मिलने वाला है, उसके कलाम के अनुसार हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होने वाला है। हालेलुया, प्रियो इन दिनों में हमें विश्वास करके आत्मिक तौर से प्रभु के पास बैठना है, आत्मिक तौर से बढ़ना है। हालेलुया, और हमें परमेश्वर से हालेलुया मांगना है। आज इन दिनों में जैसा हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हालेलुया खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगना है यीशु के नाम से, हमें ढूंढना है यीशु के नाम से, हमें हल्लेलुया खटखटाना है यीशु के नाम से,
हमारे लिए जो कुछ भी असंभव है वो संभव करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। जैसा भजन संहिता 2:8 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हालेलुया, कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर आप भजन संहिता 2:8 में कहता, हालेलुया, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, हालेलुया, और दूर दूर देशों के तेरी नीच भूमि बनने के लिए मैं दे दूंगा। आज हमें परमेश्वर से मांगना है, हालेलुया। हमारी जो जरूरत है, कभी कभी हम मनुष्य के मांगते हैं, मनुष्य के पास जाकर हाथ फैलाते हैं, कभी कभी फोन करके हम बात करते हैं, कभी कभी हमको उत्तर नहीं मिलता, कभी लोग हाँ बोलते, कभी हाँ मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेंगे, कभी हमको शब्द देंगे मैं मदद करूंगा, लेकिन बाद में हम असफल होकर पीछे आते हैं। लेकिन प्रियो, हालेलुया, आज हमें परमेश्वर के पास, हालेलुया, घुटना टेक कर एक विश्वास के साथ मांगना है, एक विश्वास के साथ परमेश्वर के पास रोकर मांगना है, जैसे एक बेटा अपने माँ और पिता से एक विश्वास के साथ स्कूल का हो, शारीरिक हो, जो कुछ जरूरत है, अपने पिता के पास आकर वो मांगता है। उसको मालूम होता है, मैं जब मेरे पिताजी मेरे मम्मी के पास जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा, तो मुझे कुछ भी हो वो मिलने वाला है। हालेलुया, वैसा हमारे स्वर्गीय पिता से हमें आज बात करना है, हमारी जरूरत को हमारे स्वर्गीय पिता के पास रखना है। हालेलुया, मुझे बहुत आनंद है हमारे प्रेसिडेंट पास्टर कुरिंजर साहब के लिए, हमारे पास्टर जी बोलते कि जब कुछ जरूरत होता है मैं परमेश्वर के पास, कल का जरूरत है तो पहले दिन रात में मैं परमेश्वर के पास 2-3-4 घंटा 5 घंटा बैठकर, हालेलुया, उसके सामने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर मैं परमेश्वर के पास मांगता हूं कि जो जरूरत होती है वो दूसरे दिन में मेरे पास आ जाती है, क्योंकि वो उनका मांगने का तरीका है परमेश्वर से कि प्रभु मेरी जरूरत पूरी करने वाला, हालेलुया, आप है। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जरूरत हो, प्रियो, हमें परमेश्वर से बात करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हालेलुया, सुनने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, योहन्ना 16:24 में, योहन्ना 16:24 में कहता है, प्रभु यीशु बोलते हैं, अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रियो, अब तक तूने नहीं मांगा, अब तक नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर का वचन आज अमर ले आया है, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद, हालेलुया, पूरा हो जाए। हम जब मांगे, मांगने वाले परमेश्वर से हम प्राप्त करने वाले हैं, ताकि हमारा आनंद यीशु के नाम से पूरा होने वाला है, यीशु के नाम से हमें विक्टोरी मिलने वाली, यीशु के नाम से हम प्राप्त करने वाले हैं। मैंने आपको बोला कि दुनिया में कोई ताकत नहीं कि जो हमारे हमारे लिए को कर सकता है, लेकिन वही एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह का, उसके नाम से, हालेलुया, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए हो सकता है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने दीन होकर मांगना है, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसा लुका इंजील 11:5 में एक हमारे लिए एग्जाम्पल है, लुका 11:5 अगर हम देखेंगे तो प्रियो वहां पे हमें एक उदाहरण है, लुका 11:5 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक बात हमारे लिए, हालेलुया, है कि वहां पे प्रार्थना के संबंध में एक बात मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां पे ऐसा लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। प्रेस लॉर्ड। फिर यहाँ पे हम प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह का शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि एक मित्र, बाइबल बताती है, एक उदाहरण हमारे लिए है कि एक व्यक्ति है जो ऐसा कौन है कि जो उनका मित्र आधी रात में उसके पास आता और वो कहता है बाहर से, मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। और बाइबल बताती है वो कहता है मेरे पास उसके पास रखने के लिए खाना कुछ नहीं है, और 7 वचन में लिखा है वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे,
आप तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछने पड़े, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। देखो जो मित्र मांगने के लिए आए हैं, अंदर से आवाज आ रहा है कि अभी दुख और तकलीफ मुझे मत दे, क्योंकि दरवाजा बंद है, मेरे बच्चे मेरे पास सोए हैं, मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। लेकिन प्रियो यहां पे एक बात, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आठवां वचन में ऐसा लिखा है, मैं प्रभु यीशु कहते मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, हालेलुया, यहां पे एक पॉइंट है, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। प्रेस गॉड, हालेलुया। तो यहां पे मुझे आपको यही बताना है, हमारा मांगने का तरीका लज्जा छोड़कर होना है, मांगने का तरीका रो रो कर होना है, मांगने का तरीका ऐसा होना है कि परमेश्वर के पास मैं आज घुटना टेक कर मांगने वाला, लज्जा छोड़कर मांगने वाला कि मेरे लिए सब कुछ, मरकुस 11:24 में लिखा है कि प्रार्थना करके विश्वास में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो गया, ऐसा विश्वास करो तो तुम पाओगे, ऐसा परमेश्वर के पास विश्वास होना। हालेलुया, यहां पे वही लिखा है कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो जो आया फ्रेंड है जितनी आवश्यकता है उतनी उठ कर देगा। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु के नाम से मांगना है, यीशु के नाम से ढूंढना है, यीशु के नाम से खटखटाना। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है लूका के 11:10 में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता, जो ढूंढता है वह पाता, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रियो आज हमें विश्वास से परमेश्वर से लज्जा छोड़कर एक मन होकर हालेलुया में मांगना है प्रियो, और जब हम विश्वास से परमेश्वर से मांगने वाले तो परमेश्वर हमारे सेवकाई के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे पास्टर लोगों के लिए, परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में आश्चर्य कर्म करने वाला है। समस्या कितनी बड़ी है वो देखना नहीं है, लेकिन हमें लज्जा छोड़कर विश्वास के साथ, जैसा मत्ती 21:22 में लिखा है, विश्वास करके प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, आज सुबह में प्रियो इन वचनों के द्वारा आपसे यही बताना चाहता हूं, हमारी समस्या कितनी बड़ी है, हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है वो हमें नहीं देखना, उससे बढ़कर हालेलुया हमारा जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास हालेलुया जो आता है उसको लज्जित नहीं करता, ओ जिसका नाम, ओ जो नाम हमें मिला है, इन द नेम ऑफ द जीसस, यीशु के नाम से हालेलुया, जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे हालेलुया, पूरे इंडिया में पूरे दुनिया में परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए डोर को ओपन करने जाएंगे। प्रियो आज हमें एक मन होकर परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगना है, हमें परमेश्वर के पास आकर मांगना है, क्योंकि बाइबल कहती है तू मुझे मांग मैं तुझे जवाब दूंगा। आज परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमारे बीच में है, इसलिए आज जो वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, आज इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर से वचन को लेकर प्रार्थना करना, वचन को लेकर मांगना है। कभी कभी मिलता नहीं इसके लिए हमारे लिए नहीं होता, लेकिन हम वचन को लेकर विश्वास के साथ मांगने वाले तो हमारे लिए होने वाला है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है, परमेश्वर हमारे सेवकाई में अद्भुत काम करने वाला। हालेलुया, प्रार्थना के साथ जब हम उसको विश्वास के साथ मांगने वाले हैं तो प्रियो हमारे लिए सब वाला है। हालेलुया, यस प्रियो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हमें विश्वास परमेश्वर के पास आकर हमें परमेश्वर से मांगना है, और जब हम विश्वास के साथ मांगने वाले तो आश्चर्य कर्म हमारे बीच में हो जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में काम करेगी। इसलिए तो एक लास्ट वचन रोमियो चैप्टर 8:28 वचन, आज का 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो। हालेलुया, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम जानते जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर
भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई परमेश्वर की ओर से, अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से, आशीष परमेश्वर की ओर से, गलत परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर के वचन से प्यार करते और विश्वास से मांगते, उनके लिए सब कुछ आशीष। हालेलुया, प्रभु इन दिनों में हम सबको आशीषों से भर दे और प्रार्थना में और भी बढ़ने के लिए, मांगने के लिए, प्रार्थना में समय बताने के लिए परमेश्वर हमसे मदद करे, हमारे जीवन को सहायता करे और हमारी सेवकाई में मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। मे बी गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन। थैंक यू पास साहब, अपने अपने बीच में जो वचन बताया उस वचन से हम सब आशीषित हो गए। निश्चित हमारे शवकाई में उसका आशीष प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर आपको और अपने परिवार को आशीष दे। आमीन। अगले जो समय है वो समय मैं पास्टर राजू भारस्कर के साथ देता हूँ। राजू भारस्कर, पास्टर राजू भारस्कर। प्रेज द लॉर्ड। ये सब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर पूरी रात संभाल के आज का नया दिन दिखाया और सुबह से लेकर अब तक पिता परमेश्वर आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, आराधना करने के, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए सुंदर सा अवसर हमारे जीवन में देने के लिए पिता परमेश्वर बिचवाई प्रार्थना करने के लिए, तेरा वचन सुनकर पिता परमेश्वर उस वचन में बढ़ने के लिए आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर इस वक्लो प्रे लाइन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वक्लो अपने प्रे लाइन को चलाने वाले बिजी ब्रदर सक्रिय चिरियन पास्टर कुरियन चिरियन और हर एक के लिए मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। इस वक्लो प्रे लाइन में जुड़े हुए हर एक तेरे दास दासी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि पिता परमेश्वर ये वो लोग है जो पिता परमेश्वर हर वक्त आकर पिता परमेश्वर आपके पास आकर पिता परमेश्वर अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर उस राज्य के लिए, उस देश के लिए, उस गांव के लिए, उस परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर उसमें आपकी बेदारी आए और पिता परमेश्वर वो राज्य, वो देश, वो जिला, वो ब्लॉक, वो परिवार आपके लिए जीता जाए और पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। इस वक्लों प्रेयर लाइन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरे दास पास्टर सिमोन को पिता परमेश्वर आपने अगुवाई किया, उनके मुंह से द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बात किया, तेरे कलाम से द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बात की, मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि पिता परमेश्वर संसार में होते हुए हम योग्य ढूंढे पिता परमेश्वर जो ठोकना है पिता परमेश्वर उसे ठोके, ताकि वो हमें मिले, पिता परमेश्वर हमारे लिए खोला जाएगा। पिता परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम ढूंढ रहे थे पिता परमेश्वर जो आपका कलाम, आपके स्वर्गीय राज्य का मार्ग वो हमें मिला है, ताकि आपका वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। पिता परमेश्वर वो मार्ग हम ढूंढ रहे थे, वो मार्ग हमें मिला है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस आप स्वर्गीय राज्य के लिए हम टटोल रहे, ठोक रहे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे लिए खोला जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे लिए एक योजना बनाइए और योजना को आपके पिता, आपने आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पूरा कर रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर गीत के लिए जो बिचवाई प्रार्थना की है, उस बिचवाई प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर हर एक बिचवाई प्रार्थना आपने सुनी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि स्थान पे जो प्रार्थना करेगा वहां पर मेरी कान और मेरी आंखें खुली रहेगी। पिता परमेश्वर आज जितने भी बिचवाई प्रार्थना हुई है वो आपने सुनिए, उसका आंसर आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में, हर एक राज्य में, हर एक देश में देते जा रहे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु तो पिता कबूल कर। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम इस अकला प्रेल में जुड़े हुए हर एक दास दासी के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ प्रभु आगमन तक हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।